नमस्कार सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलिए आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताते हैं। थोड़े से डालेंगे हम धनिया, 7-8 हमने हरी मिर्च डाली है। मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़े से लहसुन की कलियाँ और अदरक का टुकड़ा। इसे अच्छे से हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे और इसमें बिल्कुल भी हम पानी नहीं डालेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, सिर्फ जार को चलने के लिए। इसमें पानी नहीं है, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमें ये गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि इसका हम सैंडविच के साथ यूज़ करेंगे तो इसे सूखा ही चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो चलिए हम इसको पीसते हैं। इसकी तैयार हो गई। थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालें। आपको लग रहा होगा मिर्ची इसमें हमने ज़्यादा डाला है, तो सैंडविच के साथ थोड़ा मिर्ची तीखा ही अच्छा चटकार अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। और फिर इसको खाली करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का थिकनेस चाहिए हमें ताकि ब्रेड पे अच्छे से ये लग जाए। हम प्याज, हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सब क्रंची कर रखना है, इसलिए हम फटाफट थोड़ा सा हमने प्याज को रोस्ट किया है। अब उसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर, पत्ता गोभी। आप चाहें तो पत्ता गोभी स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सैंडविच जो पिज़्ज़ा सैंडविच बनता है उसमें पत्ता गोभी नहीं पड़ता है, पर मैंने टेस्ट के लिए डाला है। हल्का सा डालेंगे टमाटर और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। हाफ टी स्पून नमक डाला मैंने, हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है क्योंकि हम चटनी का यूज़ करेंगे इसमें। थोड़ा सा हमने सीजनिंग डाला है और अच्छे से इसको मिलाएंगे। तो ज़्यादा देर तक नहीं रोस्ट करना है, थोड़े देर के लिए रोस्ट करना है, बस सिर्फ ये मसाले मिल जाए और अच्छे से इसे मिक्स हो जाए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम काली मिर्च। मीडियम फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। बस ये हमारा हो गया। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। 2 चम्मच टमाटर केचप डालेंगे और इसे मिक्स करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ठंडा होगा तब तक हम बाकी का सामान तैयार कर लेते हैं। ब्रेड ये लिया है। आप चाहें तो ब्रेड का साइड से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ बनाऊँगी। तो पहले हम इस पर अच्छे से बटर लगाएँगे। बटर आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है ताकि अच्छे से स्मूथली इस पर लग जाए। और इसको फिर हम इस पर लगाएंगे चटनी। चटनी भी हम ऐसे ही करके इसको बिल्कुल बराबर प्रॉपर लगाएंगे इसको, चटनी को। सैंडविच का मसाला तैयार किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठंडा हो गया हमारा ये। अब हम दूसरा ले लेंगे ब्रेड और इस पर अच्छे से फिर इसमें भी हम बटर को लगा देंगे, फिर भी हम चटनी लगाएंगे इसको। हम ऐसे बटर लगा लेंगे हल्का सा ताकि नीचे सैंडविच के अंदर पकड़े ना। अब हम इस वाले सैंडविच में बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाले में नहीं बनाएंगे, हम गैस वाले पे ही बनाएंगे इसको। तो जिस तरफ से हमने बटर लगाया था उसको हम पहले नीचे जाने देंगे, उसके बाद फिर से हम इस पर बटर लगा लेंगे दूसरी तरफ भी, और इसको हम अब गैस पे सेक लेंगे अच्छे से। हम इसी सैंडविच से हम और भी सैंडविच का मसाला बना सकते हैं। जैसे हम इसमें 1 चम्मच अगर मेयोनी डाल दें और इसको मिला दें तो और भी टेस्टी बनेगा। दूसरा सैंडविच बनाने के लिए मैंने इसमें मेयोनी का प्रयोग किया है। आप भी ऐसे ही डाल के दूसरा बना सकते हैं, इसका टेस्ट अलग हो जाएगा, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। एक मेयोनी आइए, पहली जो बनाई थी सैंडविच वो बन के कम्प्लीट हो गई है, ऐसे हम निकाल लेंगे। अब प्रोसेस से हम दूसरी भी इसी तरीके से बना लेंगे। कितने आसानी से हमारा ये सैंडविच बन के तैयार हो गया। अब खाइए, इंजॉय कीजिए और बच्चों को खिलाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये, झटपट बन जाएगी आपकी ये। हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही जल्दी और झटपट बन के तैयार हो गया। और खाइए, एंजॉय कीजिए और लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।